हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हेटरोजीनियस कैटालिसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैटालिसिस क्या होता है, होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कैटालिसिस क्या होता है, जैसे कि बेसिक डेफिनेशन से हमें पता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस, ठीक है, ऐसा कोई बाहरी पदार्थ, ठीक है, एक्सटर्नल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन, ठीक है, जैसे ये ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट, ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन को जो है मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ये कैटालिसिस, लेकिन खुद जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है या जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ये चेंज नहीं होता है, तो उसी को ही कैटालिसिस कहा जाता है, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने वाला जो सब्सटेंस होता है उसको कैटालिसिस कहा जाता है। एंड ये जो कैटालिसिस होता है दो टाइप के होते हैं, ठीक है, होमोजीनियस कैटालिसिस और हेटरोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, होमोजीनियस कैटालिसिस उसे कहते हैं जिसमें जैसे ये रिएक्टेंट है हमारा और ये प्रोडक्ट है और ये जो है कैटालिसिस है। तो होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है जिस फेस में होगा, लिक्विड सॉलिड या स्टेट फेस में होगा, ये कैटालिसिस भी उसी फेस में होगा, तो उसी को ही जो है होमोजीनियस कैटालिसिस कहा जाता है। एंड इस पूरे रिएक्शन को जो है होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हेटरोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, यहाँ पे आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि कैटालिसिस क्या है और होमोजीनियस कैटालिसिस क्या है। आज हम इस वीडियो में हेटरोजीनियस कैटालिसिस क्या है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके एग्जाम्पल के द्वारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म में देखेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटरोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें हेटरोजीनियस कैटालिसिस का, व्हेन द कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म आर फेज देन दैट ऑफ रिएक्टेंट द प्रोसेस इज नोन एज हेटरोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। होमोजीनियस कैटालिसिस का अपोजिट है, ठीक है, मतलब व्हेन द कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट होगा रिएक्शन में वो एग्जिस्ट करेगा डिफरेंट फॉर्म में, मतलब जिस फेज में, लिक्विड सॉलिड या गैस फेस में, जिस फेस में रिएक्टेंट होगा उस फेस में कैटलिस्ट नहीं होगा, उससे डिफरेंट फेस में होगा, तो उसी को ही हेटरोजीनियस कैटालिसिस कैटलिस्ट कहा जाता है और इस प्रोसेस को हेटरोजीनियस कैटालिसिस कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा यहां तक कि कैटलिस्ट क्या है, होमोजीनियस क्या है, हेटरोजीनियस क्या है। अब एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं कि हेटरोजीनियस कैटालिसिस क्या है। पहला इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 फ्रॉम H2N2 बाय हैबर प्रोसेस यूजिंग आयरन कैटलिस्ट, ठीक है। इस रिएक्शन को आप देखिए, यहाँ पे 3H2, ठीक है, गैस, ये जो है एक गैस फेस में है हमारा रिएक्टेंट, N2 भी जो है गैस फेस में है, ठीक है, नाइट्रोजन, तो ये दोनों गैस फेस में है, लेकिन जो कैटलिस्ट यहाँ पे हमारा जो आयरन है एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, तो ये कैटलिस्ट जो है हमारा सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, ठोस अवस्था में है, मतलब ये रिएक्टेंट डिफरेंट अवस्था में, ठोस डिफरेंट अवस्था में, तो ठीक है, इस प्रकार का हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कैटलिस्ट क्या कर रहा है, इसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, लेकिन ये डिफरेंट फेज में है, इसीलिए इस पूरे रिएक्शन को हेटरोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन कहा जाएगा। अगर ये सेम फेज में होता दोनों, ठीक है, ये भी गैस फेज में होता तो इसको होमोजीनियस कहा जाता, ठीक है, नाम से ही जो है स्पष्ट है कि होमोजीनियस हेटरोजीनियस कैटलिस्ट क्या है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, द प्लेंटेनाइज्ड एस्बेस्टस जो सॉलिड फॉर्म में होता है एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो कॉन्टैक्ट मेथड है, जैसे यह SO2 प्लस O2, ये दोनों रिएक्ट करेंगे एज अ रिएक्टेंट है जो गैस फॉर्म में है, एंड ये हमारा प्लेंटेनाइज एस्बेस्टस जो सॉलिड फॉर्म में है जो कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, सो ये भी जो है एक हेटरोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस का एक एग्जांपल है, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म में है, फेज में है, और ये डिफरेंट फेज में है। थर्ड एग्जाम्पल है, दैट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड NI, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है जहां पे ऑयल और हाइड्रोजन गैस आपस में जो है रिएक्ट करके फैट का एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें जो NI है हमारा कैटलिस्ट है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, तो ये दोनों, ये यहाँ पे रिएक्टेंट आप देख सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में, फेज में है, ये डिफरेंट फेज में है, मतलब ये भी एक एग्जांपल हो गया हेटरोजीनियस कैटालिसिस का, ठीक है। तो ये था बेसिक एग्जांपल्स और बेसिक डेफिनेशन हेटरोजीनियस कैटालिसिस का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जनरली 2 और 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज हेटरोजीनियस कैटालिसिस, तो आप इसका ये बेसिक डेफिनेशन देके इसको लिख सकते हैं एग्जांपल्स को, ठीक है। अब हम इसके मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। अब मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है तो
इसका मैकेनिज्म आपको बनाना पड़ेगा। सो इसके मैकेनिज्म में जो मेनली हम क्या पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शंस हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है, एब्जॉर्प्शन थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी, ठीक है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है, द हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इज अ सरफेस फिनोमिना, ठीक है, सरफेस फिनोमिना है ये हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, मेनली पांच स्टेप में ये हमारा एडजॉर्प्शन थ्योरी कंप्लीट होता है। सो इसका पहले थ्योरी हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। सो पहला हमारा स्टेप क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एंड एडजॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट एट द एक्टिव साइट, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्ट जो कैटलिस्ट के सरफेस में रिएक्टेंट डिफ्यूज होता है पहले, उसके बाद एडजॉर्ब होता है मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट एट द एक्टिव साइट, जो कैटलिस्ट का जो एक्टिव साइट होगा उसमें एडजॉर्ब होगा। थर्ड हमारा जो पॉइंट है दैट इज occurrence of the chemical reactions on the surface of catalyst and the desorption of product molecule from the surface of the catalyst and diffusion of product away from the surface of the catalyst, ठीक है, तीनों प्रोसेस में क्या होगा, फिर एक केमिकल रिएक्शन होगा जिसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, उसके बाद फिर जो है हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो है थ्योरी पॉइंट है, ये पांच पॉइंट, इसको आप डायग्राम से बहुत इजीली तरीके से जो है दिखा सकते हैं, समझ सकते हैं। सो इसमें क्या है, ये बेसिकली एडजॉर्प्शन थ्योरी में क्या होता है, पहला ये हमारा जो कैटलिस्ट होगा वो एज अ पाउडर फॉर्म में हम यूज करते हैं। सो ये पाउडर फॉर्म में जो है ये कैटलिस्ट है, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं एंड ये बाहर बाहर जो ये बॉन्ड लगा हुआ है ये बेसिकली जो कैटलिस्ट होता है उसमें फ्री वैलेंसीज पाई जाती हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये जो है फ्री वैलेंसीज को शो कर रहे हैं। ये रिएक्टेंट है हमारा, तो क्या करेगा, ये जो फ्री वैलेंसीज हैं, ठीक है, कैटलिस्ट में ये रिएक्टेंट आके इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ए एंड बी, ठीक है, तो जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये फ्री वैलेंसीज में, कैटलिस्ट के फ्री वैलेंसीज में आके जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये जुड़ गया, उसके बाद जो है एक केमिकल चेंज होगा इन सरफेस में, ठीक है, जिससे एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा, मतलब इस इंटरमीडिएट केमिकल चेंजेस के कारण जो ए एंड बी जो हमारा जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, केमिकल चेंज होगा सरफेस के बीच तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे ये, ठीक है, तो एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये इस इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के बाद डिजॉर्प्शन होगा प्रोडक्ट ए बी का, ठीक है, जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट ए एंड बी जो जुड़े हुए हैं कैटलिस्ट में, उसके बाद जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज होंगे, तो प्रोडक्ट में क्या होगा, सिंपल सा कैटलिस्ट अलग हो जाएगा और ये बेसिकली इन दोनों के बीच जब बॉन्ड बनेगा तो ये जो वाला बॉन्ड है ये जो है कम होते जाएगा, ठीक है, मतलब वीक होते जाएगा जिससे ये टूट जाएगा और ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनल में आप देख सकते हैं कैटलिस्ट एज इट इज जैसे ही यूज हुआ था हमारे रिएक्टेंट के साथ वैसे ही यहाँ पे अलग हो जाएगा और ये जो है हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब इस कैटलिस्ट के कारण बहुत आसान हो जाता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होना, तो ये हमारा प्रोडक्ट बाहर निकल गया, तो इसी को ही एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहा जाता है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज द रोल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द कैटलिस्ट, यहां पे जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है उसका क्या रोल है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे पूरा प्रोसेस हुआ कैटलिस्ट की सहायता से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, तो ये जो कैटलिस्ट है इससे क्या क्या फायदा हुआ इस रिएक्शन को उसको डिस्कस करना है। सो फर्स्ट इज एडजॉर्प्शन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जो एडजॉर्प्शन था, ठीक है, ये जो एडजॉर्प्शन था, ठीक है, मतलब ये जो एब्जॉर्प्शन मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया कैटलिस्ट, तो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट द रिएक्शन प्रोसेस प्रोसीड रैपिडली, ठीक है, तो ये बेसिकली ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ जिससे जो रिएक्शन है ये बहुत जल्दी जो है मतलब फास्ट हुआ, ठीक है, पूरा रिएक्शन, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि एडजॉर्प्शन के कारण, ठीक है, जो रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन चेंज हुआ, मतलब कंसंट्रेशन जो है बढ़ा जिससे जो है पूरा रिएक्शन जल्दी हुआ। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज एडजॉर्प्शन मॉलिक्यूल गेट डिसोसिएट टू फॉर्म एक्टिव स्पीसीज लाइक फ्री रेडिकल्स विच रिएक्ट फास्टर
देन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो एडजॉर्ब्स मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए रिएक्टेंट के वो गेट डिसोसिएट टू फॉर्म एक्टिव स्पीसीज, लाइक फ्री रेडिकल्स बनाने के लिए डिसोसिएट होते हैं जिससे वो बहुत जल्दी जो है रिएक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। एंड द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल आर नॉट फ्री टू मूव अबाउट एंड देयरफॉर दे कोलाइड विद अदर मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस, ओके, दूसरे सर्फेस में दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करते हैं क्योंकि ये एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल जो है फ्री मूव नहीं कर सकते, ओके। एंड द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इन इवॉल्व्ड एक्ट एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शंस, केमिजॉर्प्शन कहा जाता है, ठीक है। द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, जो ये बेसिकली एडजॉर्ब हुआ, मतलब जो हमारा रिएक्टेंट का जो मॉलिक्यूल्स है ये कैटलिस्ट में एब्जॉर्ब हुआ तो इसमें कुछ हीट, कुछ ऊर्जा की आवश्यकता हुई, तो इस ऊर्जा के कारण जो रिएक्शन का एक्टिवेशन है ये बढ़ गया, ठीक है, इसी केमिजॉर्प्शन कहा जाता है। तो ये कुछ चार इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, इस कैटलिस्ट के, तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है 4 या 5 मार्क्स में तो आप ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड बेसिक आप ये डायग्राम समझ गए तो ये बाकी थ्योरी तो आप अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये था हेटरोजीनियस कैटालिसिस का डिटेल एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड ये नोट्स आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हुए होंगे। आप इसको डायरेक्टली अपने एमएससी एंड बीएससी लेवल के थ्योरी एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चंस आता है तो। एंड अगर इसके अलावा अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए जिसमें आपको कैटलिस्ट जो यूनिट है उसका पूरा जितने भी टॉपिक्स हैं सभी का एक जगह आपको नोट्स मिल जाएगा सभी टॉपिक्स का, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। एंड आपको और दूसरे और एमएससी एंड बीएससी लेवल के जितने भी हैं रिटर्न नोट्स हैं, ठीक है, मेरे पास जो अवेलेबल है मैंने इस वेबसाइट पर डाला है, तो आप वहां से अपने सिलेबस से मैच करके ले सकते हैं अगर आपको किसी यूनिट्स की आवश्यकता है तो, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स के लिए। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आगे के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।